नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। पंचायत चुनाव के सभी चरणों के मतदान के बाद जहां अब औपचारिक मतगणना के ऐलान और विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र का इंतजार है, वहीं अब नगरीय निकाय के आखिरी चरण के मतदान के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीधी नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद पद के लिए शिवसेना के युवा प्रत्याशी हृदेश त्रिवेदी हितू को जनसंपर्क के दौरान लोगों का भरपूर स्नेह मिल रहा है। गुड मॉर्निंग से चर्चा में हृदेश त्रिवेदी हितू ने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है और वे जनसंपर्क के दौरान लोगों से तीर कमान चुनाव चिन्ह को अपना वोट देने की अपील कर रहे हैं। हृदेश त्रिवेदी हितू ने यह भी बताया है कि वार्ड नंबर 22 के लोगों से उनका एक पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए वार्ड 22 के लोग उन्हें अपने घर का बेटा मानते हैं और सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। हृदेश त्रिवेदी हितू ने कहा है कि वार्ड 22 में इससे पूर्व कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, इसलिए सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता की व्यवस्था को सुचारू बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही वार्ड 22 में सौंदर्यीकरण के कुछ कार्य भी होना बहुत जरूरी है। जनता ने यदि उन्हें मौका दिया तो वे वार्ड के सौंदर्यीकरण के कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि उनके साथ वार्ड के कर्मठ युवा साथियों की एक टीम काम करेगी, जिसमें विवेक पांडे जैसे कई युवा समाज सेवी वार्ड के विकास के लिए निरंतर काम करेंगे। इसके साथ ही वार्ड के सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की हर योजना का लाभ दिलवाना भी उनका लक्ष्य है। गुड मॉर्निंग से बातचीत में हृदेश त्रिवेदी हितू ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ऐसा है कि ये 22 नंबर वार्ड की जो स्थितियां हैं, अभी पिछले 8 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और 8 सालों में यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद थे और इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ना ही नालियों की स्थिति अच्छी रही है, ना ही उनकी ओर से कोई नए विकल्प लेके कार्य किए गए हैं। और यहाँ की बाढ़ की जनता के पास आप पहुँचेंगे, जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के पार्षदों ने क्या काम कराया है, क्या नहीं कराया है। और जो हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, हम विकास के मुद्दे पे और जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग कार्य करें। नगर पालिका बाढ़ के अंतर्गत लोगों को समय पे उनका आवास मिले, उनको गल्ला मिले, साथ में क्या है कि जो नालियों की स्थिति में है कि बरसात में नाले का पानी ऊपर आ जाता है तो नालियों को गहरीकरण करा के, चौड़ीकरण करा के कार्य कराया जाए। रोडें जहाँ सक्रिय हैं तो वहाँ पे नालियों के ऊपर स्लेब बनवा दिए जाए ताकि थोड़ा रोड का भी निकलने का रास्ता बन जाए। जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि जनता किसी के बहकावे में ना आए और किसी प्रकार के लेन देन के झांसे में ना फंसे, क्योंकि एक बार के लिया गया लेन देन उनको 5 सालों के लिए नाशूर बन जाएगा। और खुल करके मतदान करें, बिना डर के मतदान करें, बाकी हम लोग उनके साथ हैं और जहां उनका दिल करे तहां करें, किसी के दबाव में मत करें। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह तीर कमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।